हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल जीरो ज्ञान। और जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी का जो 67th पीटी का एग्ज़ाम होना था दोस्तों, वो कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर एग्ज़ाम के दिन ही लीक हो गया था। तो ऐसे में दोस्तों अब जो है कि आयोग फिर से एक नया डेट अनाउंस करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो बीपीएससी का 67th पीटी का एग्ज़ाम, उसकी जो नई डेट है वो कब तक है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कि जो बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था उसकी जो लीक की जाँच चले वो कहाँ तक पहुँची है, तो उसका वहाँ पर ये हिंदुस्तान का जो न्यूज़ है यहाँ पे बताया गया कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि बीपीएससी पेपर लीक की जांच कहाँ तक पहुँची। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में ईओयू की एसआईटी ने बुधवार को कई संदिग्धों से पूछताछ की। इनके पास से तकरीबन आधा दर्जन मोबाइल भी जब्त किए गए। हालांकि जब्त मोबाइल से वायरल किए गए प्रश्न पत्र को डिलीट कर दिया गया है। डिलीटेड डाटा को रिकवर करने में एसआईटी का साइबर फॉरेंसिक टीम लगी हुई है। तो कुल मिलाकर बात करें जो भी इस पे इन्वॉल्व थे उनके जो है कि मोबाइल फ़ोन को जब्त करके और उस डेटा को रिकवर किया जा रहा है जो कि डिलीट कर दिया गया। और कैसे एसआईटी पहुँचे, तो यहाँ एसआईटी जो कि मोबाइल कड़ी जोड़ के पहुँची थी, मतलब हर एक मोबाइल को ट्रैक करके एक मोबाइल के थ्रू दूसरे मोबाइल का, मतलब चेन ब्लॉक की तरह जो इसके मुख्य संदिग्ध आरोपित थे उनके यहाँ पहुँची है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली क्या किया गया कि जो वीडियो था इसमें, एक वीडियो इसमें इन्वॉल्व था उसके साथ जो चार लोग और गए थे उनको 14 दिन के लिए जेल भेज दी गई है। कुल मिला के इसका जो कि अभी भी मतलब इसका निरीक्षण किया जा रहा है, इसको पता लगाया जा रहा है कि किस वजह से पेपर लीक हुआ था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो नया डेट अनाउंस कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान की न्यूज़ है, इसने ऊपर लिख रखा है कि इसकी जाँच, मतलब जो नया डेट है कब तक आएगा। देखिए सॉरी, पेपर लीक होने के चलते बीपीएससी 67 पीटी परीक्षा रद्द होने के बाद अब अभ्यर्थियों को नए तारीख की तिथि पर नज़र है। अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार लोक सेवा आयोग जल्द से जल्द नई डेट का ऐलान करे। इस पर आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नई तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई, इस परीक्षा को कराने से पहले आयोग पूरी तैयारी बेहतर तरीके से करेगा, इसके बाद परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी। इस परीक्षा में अब कई स्तरों पर कार्य होना है। आगे की परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग की पद्धति को अपनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर बात करें दोस्तों, तो जो आयोग है काफ़ी सख्ती दिखाने वाला है, इसने नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो है कि नया पीटी का एग्ज़ाम डेट को इसको अनाउंस करने में थोड़ा डीले हो रहा है। अदरवाइज कर देता फिर से वही दोबारा स्थिति न हो, इसके लिए कुछ अपने नए हथकंडे अपना रहे हैं, कुछ नए नए तरीके अपना रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों जैसे भी अनाउंस होगा, अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई, जैसे अनाउंस होगी आपको सबसे पहले मेरी वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो भी इतना था, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।